Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namah, Tasmai Shri Gurave Namah. Hum apne vyaktitva ke teen sthano par निवास करते हैं, या तो हम निवास करते हैं अपने स्थूल देह पर, या तो हम निवास करते हैं अपने सूक्ष्म देह पर, या तो हम निवास करते हैं अपने कारण देह में। तीन देह है हमारे, उसके अनुसार अपनी आध्यात्मिक साधना होती है। जब हम अपने आप को स्थूल देह में रखेंगे तो साधना होगी कि हम बाहर के जगत में, क्योंकि हमने अपने को आकार युक्त माना है, तो सभी आकारों में परमात्मा का दर्शन करना प्रारंभिक अवस्था में असंभव होता है। तो फिर हम अपने आप को ट्रेनिंग देते हैं, भगवान के विग्रह को लेकर के अपनी उपासना शुरू हो जाती है। उपासना माने क्या? निकृष्ट वस्तु में उत्कृष्ट का दर्शन करने का ट्रेनिंग। देखते हैं एक पत्थर को और भावना करते हैं भगवान की, देखते हैं पानी को और भावना करते हैं तीर्थ की, इसको कहते हैं उपासना। इस उपासना के द्वारा हमने अपने आप को ट्रेन किया है कि अब हमको सब जगह में भगवान का दर्शन करना है। यदि ये उपासना ठीक हुई तो उसकी अगली स्टेप है, जिस भगवान को हम बाहर देखते थे उस भगवान को अब अपने हृदय में देखना प्रारंभ करें। जैसे समझो हम किसी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, हाथ में बीड़ी सिगरेट थी, जूते पहने हुए थे और मंदिर में प्रवेश करना है, तो पहली बात क्या करेंगे? सिगरेट फेंक देंगे, पैर के जूते निकाल देंगे। और हम भगवान के सामने इस प्रकार से प्रस्तुत होंगे कि हमको अपने होने पर स्वाभिमान होगा। इसी प्रकार से हमको अपने हृदय में जब भगवान का दर्शन होने लगता है तो क्या परिवर्तन होगा? तो पहले हमको ये भावना करनी है कि भगवान हमारे हृदय में है। तो जहां हमने इसके बारे में भावना करी कि भगवान हमारे हृदय में है, तो अपने आप हमारे व्यवहार में, विचारों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। यह जब हम अपने मन के सूक्ष्म देह के स्तर पर रहते हैं तब, और जब कारण देह के स्तर पर रहते हैं तब, कारण देह माने अपने स्वरूप का अज्ञान, उसको कारण देह। तो इस स्वरूप के अज्ञान के कारण ही हमने अपने आप को मन और देह मान लिया है। लेकिन इस स्वरूप के अज्ञान को मिटाने के लिए कोई ना कोई क्वालिफिकेशन चाहिए। यहां कोटा सिस्टम नहीं चलता। तो पहले हमने स्थूल जगत में भगवान की उपासना करी, जिसमें सब वस्तु स्थूल है, पानी का विग्रह स्थूल है, उनको भगवान का विग्रह स्थूल है, फिर उनको पानी से नहलाया वो स्थूल है, दूध से नहलाया, फिर पुष्प को अर्पण किया, भोग लगाया, कपड़े पहनाए, सबका सब स्थूल स्थूल है, क्योंकि हम उसी स्तर पर रहते हैं। और यही करते करते
फिर हमारे अंतकरण में एक भिन्न वातावरण निर्माण हो जाता है और उस वातावरण को कहते हैं भक्ति। जिस हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है उस हृदय में भगवान के आगमन की संभावना है। जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं, जैसे यहाँ आए थे हम, अब जहाँ हम रहते जिस कमरे में, तो उसमें कितना कचरा कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है साल भर में। तो जैसे हमको यहाँ आना है, पहली बात क्या करेंगे लोग, उसको साफ कर लेंगे, धो लेंगे, एकदम खिड़कियाँ दरवाजे खोल करके फ्रेश कर लेंगे, क्योंकि कोई आके रहने वाला है। इसी प्रकार से अपने हृदय में परमात्मा के अवतरण के लिए पहले हमको तैयारी करनी पड़ती है। इस तैयारी को कहते हैं उपासना, और ये उपासना होने के पश्चात अब हमारा मन अंतकरण तैयार हो गया। लेकिन फिर भी पुरानी आदतें छूटती नहीं, तो फिर क्या करना है, अब अंदर पूजा शुरू करनी है। बाहर की पूजा स्थूल विग्रह की पूजा स्थूल वस्तुओं के द्वारा, अब यदि हमको भगवान की पूजा हृदय के अंदर में करनी है तो भगवान भी सूक्ष्म हो गए, तो कौन है फिर अंदर का भगवान। हमारे अंदर के भगवान को ही मन कहते हैं। मन ही परमात्मा है, मन ही भगवान है। जिसका मन ठिकाने पर है वही ठिकाने पर है, जिसके मन में विक्षेप है वो दुखी है। तो भगवान को हमको अब बाहर ढूंढ लिया, अब अपने अंदर ढूंढना शुरू करो। एक विषय आता है वेदांत में, एक होते कृतोपास्ति, एक होते हैं अकृतोपास्ति। कृतोपास्ति माने जिन्होंने अपने जीवन में उपासना करी है, कृतोपास्ति। और अकृतोपास्ति माने जिन्होंने अपने जीवन में उपासना करी नहीं, कभी मंदिर में नहीं गए, कभी पूजा पोथी नहीं करी, कभी नहाए नहीं स्वयं भी और भगवान को भी नहीं नहलाया। देखो मुझे ये समझ में नहीं आता कैसे लोगों को बिना नहाए रह सकते हैं। एक बच्चे ने पूछा था, मम्मी हर चीज के लिए गोली होती है ना, पेट दुखता है तो गोली खाओ, सर दुखता है तो गोली खाओ, डायरिया है तो गोली खाओ, ऐसे नहाने के लिए गोली नहीं है, ये गोली खा के नहाना हो गया। तो जिन्होंने ये बाहर की कोई उपासना नहीं करी उनको कहते हैं अकृतोपासना, कुछ नहीं किया। ऐसे लोग सीधा का सीधा ध्यान करने में लग जाते, मेडिटेशन का पहले अपने अवकाश पहचानो। और ये समझ में नहीं आता इसीलिए, और फिर हमारे लिए मेडिटेशन माने क्या, केवल एक स्थान पर बैठना है और हिलना नहीं, और फिर वही ध्यान हो जाता है। मैं आधा घंटा बिना हिले बैठ सकता हूँ मेडिटेशन में, और क्या करना है। एक जगह हम जब गए थे वहाँ ये साधकों के मेडिटेशन की कंपटीशन हो रही थी। क्या कंपटीशन थी, सबके सब साधक लाइन में बैठे, और जैसे ये एथलेटिक लोगों की होती है ना, 100 या 1000 मीटर का दौड़ है, तो वहाँ से एक विजन कर गए, कोई सिग्नल दे, जैसे सिग्नल दिया तो दौड़ पड़ते हैं कौन पहले पहुंचता है, वैसे ये सब लोग बैठे हुए थे। बैठने के बाद उन्होंने सिग्नल दिया और सब के सब फ्रॉग के जैसे
मेंढक के जैसे कूद पड़े। कूदने के बाद वहां मार्क हुआ किसकी छलांग ज्यादा लंबी है, जिसकी छलांग ज्यादा लंबी उसका ध्यान ज्यादा अच्छा। देखो संतो, ये मेडिटेशन नहीं है, क्योंकि अकृतो वास्ते हमको अपने अंतकरण का निर्माण करना है, दुनिया को नहीं सुधारना, शरीर से उपरत होना है। और इसीलिए दूसरी जो साधना है भगवान की पूजा की या उपासना की, उसको ध्यान का अभ्यास कहते हैं। अब ध्यान के अभ्यास में चूंकि हमको ये करने का स्वभाव बन गया है ना, हर चीज करनी है, और ये करने के स्वभाव के कारण हम ध्यान भी करना शुरू कर देते हैं। देखो अब इसको समझो, प्यार करना और प्यार होना, इसमें क्या परिवर्तन भिन्नता है? जब प्यार करेंगे तो एक काल में प्रारंभ हुआ, थोड़े समय तक रहा, फिर खत्म हो गया। जो भी आप करो उसका अंत होगा। इसीलिए जितने भी ये प्यार करने वाले होते हैं ना, जैसे हाथ में पत्थर लिया फेंका, जब तक कि अपने हाथ की शक्ति उस पत्थर के साथ है तब तक चलता रहेगा आकाश में, फिर गिर जाएगा। इसी प्रकार से इनका ये लोग प्यार भी होता है ना, इट इज नथिंग लाइक प्यार, ये दोनों को अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। और फिर अपना निकला प्यार हम कर रहे हैं, और धीरे धीरे उस प्यार की जो गति है वो खत्म होती है, और फिर तू मैं तू शुरू हो गया, क्योंकि प्यार कर रहे हैं। यही बात ध्यान की है, मेडिटेशन करो खत्म हो जाएगा। और जब आप कुछ भी करो तो आपको उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं। हमने भगवान का नाम लिया तो क्या मिलेगा, हमने दान धर्म किया तो क्या मिलेगा, हमने भजन कीर्तन किया तो क्या मिलेगा, जहां कर्म है वहां उससे क्या मिलेगा, ये स्वाभाविक है। हमको एक सज्जन ने पूछा वृंदावन में, स्वामी जी आप लोग कहते हैं भगवान का नाम लो, क्या मिलता है भगवान का नाम लेने से? तो मैंने उसको पूछा, अरे यार तू बनिया है क्या? अरे आपने कैसे पहचाना? हमने कहा बनिया ही ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अध्यात्म का तात्पर्य उपलब्धि नहीं, अध्यात्म का तात्पर्य है सब खो देना है, क्या मिलेगा, क्योंकि कर रहे हैं। उसी प्रकार से ध्यान करने से क्या मिलेगा। हमारे मुंबई की बात है, वहां के जो जजेस थे उन्होंने कोई हो गए 100-150 हमको बुलाया कि स्वामी जी आप हमको मेडिटेशन पर कुछ सिखाइए। 2 दिन हम गए, 100-150 हो गए कम से कम। तो हमने कहा देखो हम 2 दिन बोलने वाले हैं, इसका क्या नाम देते हैं इस 2 दिन के श्रृंखला का? बोले मेडिटेशन। हमने कहा नहीं, मेडिटेशन तो कॉमन हो जाता है, फिर क्या है? हमने कहा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा जस्टिस अग्रवाल। बहुत बढ़िया। फिर हमने कहा आप जस्टिस करते हो या जजमेंट करते हो? नाम आपका है जस्टिस और डिलीवर करते हो जजमेंट। जजमेंट नीड नॉट बी ए जस्टिस। तो फिर हमने कहा ऐसा करेंगे, हम ये 2 दिन के लिए नाम देंगे क्या, डू जस्टिस टू मेडिटेशन। देखो, और फिर मेडिटेशन में जस्टिस करना है माने क्या,
हमको नॉर्मली क्या बताते हैं, मेडिटेशन फॉर हाई ब्लड प्रेशर, माने आपको प्रेशर नहीं हो तो मेडिटेशन करो तो हाई ब्लड प्रेशर तैयार हो जाएगा, मेडिटेशन फॉर माइग्रेन, देखो ये ऐसा ही है, जिम फॉर स्पॉन्डिलोसिस, ध्यान का अभ्यास रोग के निवारण के लिए नहीं है, जो निरोगी है वही ध्यान में बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसी कुछ विचित्र बात हो गई है, टेंशन को निकालने के लिए मेडिटेशन करो उसका एक और टेंशन बन जाता है, आजकल यार मेडिटेशन हो ही नहीं रहा, एक टेंशन और बढ़ गया, क्योंकि कर रहे हैं, देखो जैसे प्यार किया नहीं जाता खो जाता है, उसी प्रकार से ध्यान किया नहीं जाता ध्यान दिया जाता है, बी अटेंटिव, ध्यान दो, ध्यान करो नहीं, जब ये लोग ध्यान करते हैं तो उसमें दे कॉन्सेंट्रेट, बैठेंगे और बड़ा सीरियस कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, या तो अपने हृदय में करेंगे या तो नासिकाग्र में करेंगे, नासिकाग्र माने नाक को नोक, या तो भ्रू मध्य में करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे और बाद में हेडेक, कॉन्सेंट्रेशन कभी मत करना लाइफ में, कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज ऑन अदर्स, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आई नो यू आर नॉट, यू आर लिसनिंग टू मी विथ कॉन्सेंट्रेशन बट यू आर अवेयर ऑफ यूर बीइंग, कॉन्सेंट्रेशन हमेशा अन्य के लिए होता है, स्व के लिए अवेयरनेस होता है, बी अवेयर, हम ऐसा नहीं कहते बी कॉन्सेंट्रेटेड, और ये अवेयरनेस को जागृत करने के लिए अब हमको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, जब हम जगत के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो उस समय अंदर क्या हो रहा है इधर ध्यान देना है, जैसे किसी वस्तु को व्यक्ति को देखा, उसको देखने के बाद फिर अब अंदर क्या हो रहा है, अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसका निर्माण हो रहा है, दोस्त दुश्मन ये पैदा हो रहे हैं, इस वस्तु या व्यक्ति से सुख दुख की कल्पना हो रही है, फिर इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए परेशान हो रहे हैं या इस वस्तु से मुक्त होने के लिए भागे जा रहे हैं, ये सब का सब बाहर नहीं होता अपने मन में होता है, तो ध्यान का अर्थ क्या हो गया, फिर ध्यान का अर्थ यही हो गया है, ध्यान दो अपने मन के स्थिति पर, इसीलिए भगवद गीता कहती है योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, अब ध्यान से सुनना, जब हम जगत के साथ विवाह करते हैं तो उसके संस्कार हमारे मन पे हो रहे क्या, इधर ध्यान देना है, संस्कार केवल दो ही प्रकार के हैं, एक है राग दूसरा है द्वेष, तीसरा कोई संस्कार नहीं, फिर कोई भी चीज हो, रसगुल्ला अच्छा लगा राग, ढोकला अच्छा नहीं लगा द्वेष, शिमला अच्छा लगा राग, दिल्ली अच्छी नहीं लगी द्वेष, दूसरे की पत्नी अच्छी लगी राग, अपनी बच्ची पत्नी अच्छी नहीं लगी द्वेष, मैंने गलत तो नहीं कहा, जगत में केवल दो ही संस्कार है, राग और द्वेष, अपने मन पर,
अब ये राग द्वेष के निर्मिति को रोकना, ये है अंदर की पूजा। देखो जैसे भगवान की पूजा के स्थान को हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या करते हैं बात अलग है। देखो कितने घरों में महीने महीने भगवान को साफ नहीं करते, इतने गंदे होते बेचारे, उनका प्रारब्ध क्या? कभी ना उनको नहलाते हैं, ना उनको चंदन लगाते हैं, और फूल भी वो प्लास्टिक की एक बार चढ़ा दी कि हो गए। तो जैसे हम भगवान के सभी स्थानों को शुद्ध पवित्र करके फिर भगवान का वहां रखना पूजा इत्यादि करते हैं, इसी प्रकार से पहले अपने मन को साफ सुथरा करना है। मन को साफ सुथरा करना माने जगत में व्यवहार करते समय अपने मन पर राग द्वेष के संस्कार निर्माण न हो गए। ये कैसे संभव है? बिल्कुल ठीक है यार, भगवान एक्सेप्ट करते हैं इसको भगवत गीता में। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोः वशं न आगच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। जगत के विषय वस्तुओं के प्रति राग द्वेष होना स्वाभाविक है, तो फिर तयोः वशम न आगच्छे, उसके वश में हमको नहीं आना है। जब वश में आ जाते हैं तो शुरू कर देते हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से बड़ी अच्छी है। अरे महारानी, जब मालूम है कहना नहीं चाहिए तो क्यों बोल रहे? जब आदमी को उल्टी आती है ना, आदमी रोक नहीं सकता, उसी प्रकार से ये बोलने की उल्टी आ गई तो हो गया सीधा। तो ये अपने मन में राग द्वेष का निर्माण नहीं करने का कोई तरीका है क्या? हाँ जी, जरूर तरीका है, और बहुत सरल तरीका है। वो तरीका है अपने हरेक अनुभूति से सीखना प्रारंभ करो। जिस अनुभव से हम सीखते हैं उस अनुभव का हमारे मन पर संस्कार नहीं होता। अब रोज का आपका उदाहरण ले लो, बचपन में हमने सभी ने कभी ना कभी अग्नि को हाथ लगाया है, मोमबत्ती को या दीपक को कई हाथ लगाया, तो जैसे अग्नि को हाथ लगाया हाथ जल गया, तो उसके कारण हमने सीखा है अग्नि जलाता है। इस सीखने के कारण अग्नि के प्रति हमारे मन में राग द्वेष नहीं है। देखो तो क्या हो गई? अंदर की साधना, अंदर की पूजा, यही अंदर की पूजा है। जगत में रहते समय अपने हर एक अनुभव से सीखना। जो व्यक्ति अपने हरेक अनुभव से सीखता है, हरेक अनुभूति के साथ, वो समझदार होता है। और यदि हमने अपने अनुभूति से सीखा नहीं तो हम समझदार नहीं, बूढ़े होते हैं और ना समझ होते हैं। ना समझ बूढ़े, ये दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। हम चाहते हैं दुनिया हमारे कहने के अनुसार चले, ऐसे नहीं होता। और इसीलिए जो हम अपने मन के स्तर पर आए तो पहली बार जो हम भगवान को बाहर देखते थे विग्रह में, अब कहां देखते थे भगवान को विग्रह में? अपने मन में। तो दूसरा भगवान का रूप क्या हो गया? अब अपना मन ही भगवान है, उसकी देखभाल करो। इसीलिए शिव जी जब वशिष्ठ जी के सामने प्रकट हो गए, तब वशिष्ठ जी ने शिव जी को पूछा था, ये भगवान हमको पूजा अर्चा करने के बारे में विस्तार से बताइए, देवार्चन विधानम तत्कीदृशम भवति प्रभो।
हे भगवान, देवता की भगवान की पूजा कैसे करती है हमको बताइए। उस समय भगवान कहते हैं, न देवः पुंडरीकाक्षः न च देवः त्रिलोचनः न देवो देहरूपीः न देव चित्तरूपकः अकृत्रिमम् अनाद्यन्तम् देवनम् देव उच्यते। जो निर्मित नहीं है, जिसमें परिवर्तन नहीं होते, जिसका अभाव नहीं होता, जो सबका प्रकाशक है, उसको देव कहते हैं। द्योतनात् देवः। अब देखो, सबका प्रकाशक कौन है? जागृत पुरुष, यह स्वप्न का प्रकाशक नहीं है। स्वप्न पुरुष, यह सुषुप्ति और जागृत का प्रकाशक नहीं है। समाधिस्थ पुरुष, जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों का प्रकाशक नहीं है। लेकिन एक ऐसा तत्व है जो जागृत को भी प्रकाशित करता है, स्वप्न को भी, सुषुप्ति को भी, समाधि को भी। हम जो एक वाक्य कहते हैं, इस पर चिंतन करें। और ये वाक्य हम नहीं कह रहे, हर एक आदमी करता है। कौन सा वाक्य है? बहुत सिंपल है, मुझे अच्छी नींद आई थी, लेकिन बीच बीच में बुरे सपने भी आए। ये वाक्य कौन कह सकता है? अच्छी नींद आई थी, ये वाक्य जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में जागृत पुरुष नहीं होता। बुरे सपने आए थे, ये भी वाक्य जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि यह जागृत पुरुष जो है, ये सपने में नहीं था, स्वप्न पुरुष था। मुझे अच्छी नींद आई थी, ये भी जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि वो सुषुप्ति में नहीं था। तो कौन कह रहा है? केवल चिंतन करना है, बाकी कुछ नहीं। और तब पता चलता है, जो जागृत में है लेकिन जागृत पुरुष नहीं है, जो स्वप्न में है लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं है, जो सुषुप्ति में है लेकिन जो सो नहीं रहा है, और जो समाधि में है लेकिन जिसकी समाधि लगती टूटती नहीं। वेदैश्च सर्वैः अहमेव विद्या, यही तत्व है। उसी को देव कहते, उसी को भगवान कहते, उसी को वेदांत में ब्रह्म कहते, उसी को योग में परमात्मा कहते। तो कहते हैं, अज्ञात देव तत्वानाम आकारार्दर्चनम कृतम योजना ध्वंद शक्तस्य क्रोशा का परिकल्पते। तो जो अज्ञान से परिपूर्ण है, माने अपने को देह मान के बैठे, उनके लिए कहते हैं कि हाँ भाई, देवता की मूर्ति बना और उसकी पूजा करो। लेकिन शमो बोधादिवी पुष्पैः देव आत्मा यदर्चते तत्रु देवार्चनम विद्धि नाकारम अर्चनम अर्चनम। तो फिर कौन से कहते हैं कि शम बोध आदि भी ही पुष्प ही देवः आत्मा यदर्चते। हमको अब अर्चना करनी है भगवान की, किसे करें? कहते हैं, शम दम उपरति श्रद्धा दीक्षा समाधान, ये है पुष्प। देखो, इसको कहते हैं आध्यात्मिक दौलत, आध्यात्मिक संपत्ति। क्षमा विरज्य विषय व्राता दोष दृष्ट्या मुमुर्मुहु स्वलक्षे नियतावस्था मनसः क्षम उच्यते। दुनिया में जो हमारा मन भटकता है, वहां से उसको उपरत करके अपने मन को अपने स्वरूप में स्थित करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को क्षम कहते। उसी प्रकार से दम इंद्रियों को लेकर के, फिर उसके बाद क्षमा दम उपरति विदाउट, बिना किसी प्रयत्न से अपने इंद्रियों को जगत से उपरत कर लेना। फिर तितिक्षा, तितिक्षा माने सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सह तितिक्षा निगद्यते। जीवन में आने वाले कष्ट को लेकर के दुखी नहीं होना, उसको तितिक्षा कहते हैं।
हमारी साधना क्या है मालूम है? सब कुछ ठीक चले तो ठीक है, गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ हो गया। आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है अपने जीवन का हर एक अनुभव आध्यात्मिक परीक्षा है। एवरी इंटरेक्शन इन द वर्ल्ड इज अवर स्पिरिचुअल एग्जामिनेशन। और जब परीक्षा में बैठते हैं तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू कांट से कि मैं तैयार नहीं था, ऐसे नहीं होता। सामने से समझो उल्टी सीधी कोई बात आ रही है, गाड़ी चला रहे और आपके नहीं मैं तैयार नहीं था इसीलिए एक्सीडेंट हो गया, नो नो यू कांट अफोर्ड। इसीलिए तितिक्षा से मनुष्य ये कंप्लेन करने की बात छोड़ देता है। श्रद्धा, श्रद्धा क्या है? शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा। हमारे मन में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं। पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं, क्यों नेगेटिव थिंकिंग करते हैं? शास्त्रों में जो कहा है वो सत्य है, गुरु महाराज जो बताते हैं वो झूठ नहीं है। ये दोनों के शक्ति के साथ जो साधक चलता है उसी का भला होता है। ऐसे एक साधक का उदाहरण आपको दूं तो हमारे मुंबई के बड़े महात्मा हो गए निसर्ग दत्त महाराज। अनपढ़ थे, तंबाकू पान बीड़ी का दुकान था उनका लॉजिक। एक ही बार उन्होंने अपने गुरु से सत्संग सुना, वो भी किसी के साथ गए थे और बाकी कुछ नहीं, उनका कोई गुरु बिरु कुछ नहीं था, बिल्कुल सरल पवित्र व्यक्तित्व। तो उनका ये कहना था महात्मा जी ने जो बताया कि मैं ब्रह्म हूं, ये बता कि उनको क्या मिलेगा। लॉजिक देखो, बोले मैं तो दुकानदार हूं, दुकानदार झूठ बोलते, कोई भी दुकानदार सच नहीं बोलता। तो यदि वो कहते हैं कि वो स्वयं ब्रह्म है और मैं पापी हूं तो समझ में आ गया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि तुम साक्षात परमात्मा हो, ब्रह्म हो, तो क्यों झूठ बोलेंगे वो। और फिर उसको उन्होंने पकड़ लिया कि हम ब्रह्मास्मि। देखो इसको कहते श्रद्धा। और फिर यया वस्तु उपलब्ध थे, जब तक कि आप मानोगे नहीं तो जानने का प्रयत्न नहीं करोगे, पहले मानना पड़ता है फिर जानना पड़ता है। श्रद्धा और ये पांच बातें जब हो जाती है उसका परिणाम समाधान। समाधान माने फिर हमारा मन अपने स्वरूप में वापस लौट के आ जाता है। ये है अपने मन देवता की पूजा। यही पुष्प है, इसीलिए यहां हमको इतना सूक्ष्मता से ध्यान देना है, कहीं हम रिएक्शन तो नहीं कर रहे दुनिया में। देखो वी नॉर्मली रिएक्ट, वी नेवर एक्ट। तो शमो बोधादि पुष्प ही देव आत्मा यदर्चते तत्तु देवार्चनम विद्धि। इसी को कहते हैं देवता की पूजा, न आकार अर्चनम अर्चनम, केवल आकार को लेकर बैठे वो अर्चना नहीं है। शम बोधाद्य भावे ही पुष्पा देहि अर्चनम स्मृतम। इसीलिए क्योंकि हमारे मन में शम दम ऊपर श्रद्धा प्रतीक्षा समाधान नहीं है, इसीलिए पुष्प का फूलों का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे ना जब पूजा होती है ना तब कहते हैं सुवर्णार्थम अक्षदाम समर्पयामी, वस्त्रार्थम अक्षदाम समर्पयामी, भोगार्थम अक्षदाम समर्पयामी। भगवान कहते यार तुम अक्षदा ही दे रहे कुछ तो सोच दो। तो वो तो केवल भावना मात्र है ना, तो भावना अंदर करे, यही है शम दम उपरते श्रद्धा की दीक्षा समाधान। इसको लेकर के जो जीता है वो अपने मन देवता की आराधना अर्चना कर रहा है। और फिर क्या होगा, संविद सर्वकलातीत सत्ता सामान्य रूपिणी महासत्तात्मता प्राप्ता देव शब्दे न कथ्यते। अब यहां से और सूक्ष्मता बढ़ती है विचार की। संवित सर्व कला दीता, देखो कला किसको कहते हैं, चंद्रमा की 16 कलाएं हैं,
Prathama, Dvitiya, Tritiya, Chaturthi, Panchami, Shashti, Saptami, Ashtami, Navami, Dashami, Ekadashi, Dvadashi, Trayodashi, Chaturdashi, Purnima or Amavasya. 16 ho gayi. Chandrama kya hai? 17va. 17 Chandrama nahi hai. Chandrama ek hi hai. Is kala ke karan ek hi Chandrama ko 16 prakar se kaha jata hai. Isiliye shodash kala purushah ek hi Paramatma hai. In kalaon ke karan माने कला का अर्थ क्या हो गया फिर कला माने उपाधि मेरी एक कला है मैं पुत्र हूं उपाधि पिताजी मेरी दूसरी कला है मैं पति हूं उपाधि पत्नी मेरी तीसरी कला है पिता उपाधि मेरा पुत्र यहां कहते हैं संवित सर्व कलातीता जो शुद्ध चेतन तत्व है सर्वकलातीत तो इस चैतन्य की क्या क्या इस चेतना की क्या क्या कलाएं हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि जो संवित है वो सब में कॉमन है तो संवित सर्वकलातीता सत्ता सामान्य रूपिणी और यह केवल संवित नहीं पर संवित सत्ता माने इट इज कॉन्शियस एग्जिस्टेंस चिन्मय सत्ता हमारा जितना भी अनुभव होता है वो सीक्वेंस में होता है सुबह हुई फिर नहाने को गए फिर आ गए वापस फिर सो गए सीक्वेंस लेकिन मैं हूं और मैं हूं ये मैं जानता हूं ये सीक्वेंस में नहीं होता ये साइमल्टेनियस होता है इसी युगोपत साइमल्टेनियस अनुभूति को कहते हैं भगवान का दर्शन देखो तैतृ उपनिषद का मंत्र है उसमें एक शब्द इतना छोटा सा है कि हम उसको भूल जाते हैं जब कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद अनहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सो ओष्णुते सर्वान कामान सह सह माने साथ साथ सर्वान कामान जिसकी सभी कामनाएं एक साथ पूरी हो गई यह जो आप्त काम है यही परमात्मा इसीलिए यहां जब कहते हैं संवित सर्व कलातीता सत्ता सामान्य रूपिणी और यदि इसको हमको जीवन में उतारना है पूजा के दृष्टि से तो क्या होगी साधना हमको विशेष नहीं बनना सभी विशेषताओं का त्याग करने को अध्यात्म कहते देखो महाराज जितनी विशेषता का बोझा ढोएंगे उतना हम संसारी है फिर चाहे ब्रह्मचारी रहे गृहस्थ रहे वानप्रस्थ रहे सन्यासी रहे सबके सब सन्यास सबके सब गृहस्थ ही है सन्यास की परिभाषा भगवान शंकराचार्य के अनुसार स्पष्ट है देहन्यासो ही संन्यासा नैव काशाय वाससा न हम देहो महात्मेति निश्चयम् ज्ञान रक्षणम् हम लोग जो है ना टेलर मेड संन्यासी है देखो देहन्यासो ही संन्यासा जिसका देहात्म भाव समाप्त हो गया है उसको संन्यासी कहते हैं अच्छा अच्छा माने नींद में हम संन्यासी होते बोले नहीं निश्चय ज्ञान लक्षण यह मालूम है हमको तो महसत्तात्पदा प्राप्ता देव शब्देन कथ्यते तो यह जो चिन्मय सत्ता है उसी को देव कहते हैं देश काल अधिशक्ति राम उल्लास वनिता क्रमान जीवो भूत्वा भवत्याशु बुद्धि पश्चात अहम तथा मनस्तम समुपायाता संसारम अवलंबते अब ये संसार का निर्माण बताते हैं कि किस प्रकार से संसार का निर्माण होता है देश काल आदि शक्ति नाम उल्लास ही वलिता क्रमान जीवो भूत्वा भवत्याशु एक ही परमात्मा जब देश काल वस्तु इसके उपाधि को धारण करता है तो उसी परमात्मा को जीवात्मा कहते हैं
हमने कैसा देश काल वस्तु की उपाधि को धारण किया है। जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें पहली बात क्या लिखते हैं, DOB, डेट ऑफ बर्थ। इसके पहले हम नहीं थे, हो गया काल। फिर लंबाई चौड़ाई, हो गया देश। फिर वजन, हो गया वस्तु। तो जो देश काल वस्तु से परिचिन्न अनुभूति है, उस अनुभूति को जीव कहते हैं। तो यह जो जीव है, ये व्यक्ति नहीं है, ये अभिव्यक्ति है। जैसे कमरा, अब कोई भी चार दीवारें इकट्ठी कर लो, कमरा हो गया। यही कमरा ने एनी जीव माने जहां ये देहात्म भाव की अनुभूति है, उसको जीव कहते हैं। और उसी को शास्त्र कहते हैं। इसीलिए जीवन न माने नहीं, जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ है वो केवल जीवन है। इट्स ओनली लाइफ एंड नॉट द इंडिविजुअलिटी। लेकिन हमने अभिव्यक्ति को व्यक्ति के रूप में ग्रहण कर लिया है और वहीं से संसार शुरू हो गया। इसीलिए कहते देश कालादि शक्ति नाम उल्लासे वलिता क्रमार जीवो भूतवा। फिर हम जीव हो गए तो अभिव्यक्ति हो गई व्यक्ति। कोई भी बेवकूफ किसी भी बेवकूफ से शादी कर ले तो उसको पति कहते हैं। तो पति जो है ये आदमी की पत्नी के माध्यम से अभिव्यक्ति है, आदमी व्यक्ति नहीं है। देखो संतो, इसी प्रकार से एक ही चिन्मय सत्ता किसी भी देह से प्रकट होती है चेतना के रूप में। ये जो चेतना जिसको संस्कृत में कहते हैं उसी को अंग्रेजी में लाइफ कहते हैं। तो चेतना लाइफ इज कॉमन। देखो हमको कई बार पूछते स्वामी जी आप इतनी जगह जाते हो, आप कैसे कैसे भिन्न भिन्न लोग आपको मिलते हैं। मैंने कहा कोई भिन्न नहीं, सब जगह वही तमाशा है। भूख प्यास मिसअंडरस्टैंडिंग कंफ्यूजन गुस्सा तू तू मैं कहा क्या नया क्या है। 5,000 साल पहले बताई हुई गीता आज के दिन में लागू होती है। तो क्या 5,000 साल लोग क्या कान से देखते थे। ये जगत हमेशा ऐसा ही रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है महाराज। क्योंकि जीव नहीं है, यहां जीवन न है। तो जीवो भूतवा माने क्या हो गया, जब चेतना की अभिव्यक्ति मन के रूप में होती है तब यह देह का चलन वलन चल रहा है। अब ध्यान से सुनना, जैसे सुवर्ण सभी आभूषणों में कॉमन है, लेकिन एक विशेष आभूषण की विशेषता क्या है, उसमें सुवर्ण के साथ नाम रूप जुड़ा रहता है। इसी प्रकार से सब में डाइजेशन कंफ्यूजन गुस्सा सब में कॉमन है, लेकिन वही मन जिसके कारण ये सब चल रहा है, ये मन जब एक आकार विशेष को धारण करता है, जैसे सुवर्ण आकार विशेष को धारण करता है, तो आकार युक्त तो सुवर्ण को आभूषण कहते हैं। उसी प्रकार से देह के आकार को धारण युक्त मन को जीव कहते हैं। तो जीव सत्य है कि सुवर्ण सत्य है। देखो संतो, इसीलिए कहते हैं जीव भूतवा भवत्याशु बुद्धि पश्चात अहम तथा, उसके बाद फिर मैं पैदा हो जाता है। तो तू मैं तो तू शुरू हो गया। जो पति अपने पत्नी के सामने आंख नहीं खोल सकता, गहरी नींद में इतना जोर से अपना गला कैसे खोल देता है, कहां से इतनी शक्ति आती है उसके पास, क्योंकि वहां अब मैं पति नहीं हूं। जहां देहात्म भाव खत्म हो गया, व्यक्तित्व गायब हो गया। इसीलिए मनस्तम समुपायाता संसारम अवलंबते, और एक बार ये मैं पैदा हो गया उसके बाद मेरा पैदा होता है। मेरा का स्थान है मन और मैं का स्थान है बुद्धि।
मैं अरुमोर तोरते माया, वहां से संसार शुरू हो गया। संसार माने क्या? परिवर्तनशील अनुभूतियों के स्रोत को संसार कहते हैं। और कोई भी परिवर्तन बिना अपरिवर्तनीय सपोर्ट के सिवा नहीं हो सकता। देखो, जैसे आप समझो हवाई जहाज में जा रहे हो, अंधकार हो, बाहर देखो खिड़की से कुछ नहीं दिखता, ये भी अनुभव नहीं होता कि हमारे फ्लाइट आगे बढ़ रही है। लेकिन वही जब अपने एयरपोर्ट के पास आ जाते हैं, ऊपर से जब नीचे देखो तो देखते हैं, हाँ अब वो नदी बह रही है, अब नदी पीछे चली गई, इसका मतलब हम आगे जा रहे हैं। जब तक के कोई अनचेंजिंग रेफरेंस नहीं होगा, तब तक के चेंजेस एस्टैब्लिश नहीं होते। तो जब हम कहते हैं कि मैं जवान था, मैं बूढ़ा था, कौन कह रहा है? जो कभी चेंज नहीं हुआ, लेकिन उधर ध्यान जाता ही नहीं, क्योंकि हम ये उपाधि में फंसे हैं। इसीलिए संसारम अवलंबते, फिर इयम अस्मिति भावेन निहस्ता दुखम अश्नुते, और फिर यही मैं हूँ, मैं ही देह हूँ और मैं ही जीव हूँ, इस प्रकार से देहस्था दुखम अश्नुते। जब तक के देहात्म भाव होगा, तब तक के दुख किसी और कुछ नहीं मिलेगा। फिर पुष्टम संकल्प मात्रेण यदिदम दुखम आगतम, और फिर यही जो देहात्म भाव है, इसको और हम तगड़ा करते हैं। कैसे तगड़ा करते हैं? योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर लॉन्ग लाइफ। हेल्थ और लॉन्ग लाइफ, दीज आर कर्सेस। जो आदमी रोगी होता है उसके लिए देहात्म भाव को त्यागना कठिन नहीं है, और जिसको रोग होता है ना, वो अन्य के लिए समस्या नहीं होता। जो हेल्दी होते हैं वो सबके लिए समस्या होते हैं। आपने देखा है कोई टेररिस्ट आया हाथ में बंदूक लेके सामने को कहता है, यार पकड़, यार बड़ा लचक आ गई। नहीं, हेल्दी है। हेल्दी पीपल आर प्रॉब्लम फॉर अदर्स। किसी भी घर में देखो, जो बुढ़ाओ हेल्दी होता है ना, सब परेशान उस घर के। बच्चे लोग बढ़िया 9 बजे तक 10 बजे तक सोते हैं, उनको सोने दो ना। लेकिन ये बुढ़ा जल्दी उठो जल्दी उठो, इनको उठने की समस्या नहीं, रात भर नहीं सोए थे। देखो संतो, इस चक्कर में मत पड़ना। केवल स्वास्थ्य जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, केवल लंबी उम्र जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, बढ़िया मकान जगत का जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। क्या करोगे बड़ा मकान बना के? हम कितने घरों में जाते हैं, जब ये पति पत्नी जवान होते हैं, बच्चे छोटे हैं, अब तब रह लेते हैं 1 BHK में, छोटे से जगह में, और धीरे धीरे बच्चे 2-3 हो गए, जगह नहीं है, उसी में सब हो जाता है। फिर बच्चे बड़े हो गए, इनके पास पैसा भी बहुत आ गया, और फिर बच्चे अपने अपने घर चले गए, फिर इनके दिमाग में जो खुजली थी ना मकान बनाने की, बुढ़ापे में जा करके मकान बनाते हैं, 6 बेडरूम 5 बेडरूम, और फिर कहते स्वामी जी ये आपके लिए बेडरूम रखा है, कोई आता ही नहीं होता। क्या करोगे बढ़िया मकान का? क्या करोगे बढ़िया कार का? क्या करोगे स्मार्टफोन का? वो जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। लेकिन यही हमको बात समझ में नहीं आती, और इसीलिए इयम अस्मिति भावेन व्यवस्था दुखम अश्नुते, फिर पुष्टम संकल्प मात्रेण, फिर हम संकल्प के द्वारा और उस देहात्म भाव को तगड़ा करते हैं। ऐसा उसके बाद हम बन जाते हैं पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर। इन सब ससुरों का जन्म होता है देहात्म भाव के बाद। जहां देहात्म भाव नहीं है वहां इनकी कोई सत्ता नहीं। ये केवल चिंतन की बात है, करना कुछ नहीं है। देखो अपने फोकल लेंथ को चेंज करो। जब हम जाते हैं डॉक्टरों के पास तो वो यही करते हैं, हमारे फोकल लेंथ को ठीक करते हैं। पहली बार जब आदमी को दृष्टि का दोष आता है तो पढ़ते समय दूर ले लिया, नजदीक ले लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। क्यों? कि जो
फोकल लेन एडजस्ट करने की आई मसल की कैपेसिटी थी वो खत्म हो गई, तो बाइसेप मसल से आंखों का काम कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? केवल फोकल लेन एडजस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो इसी प्रकार से अपनी फोकल लेन एडजस्ट करो। ये जो डॉक्टरों का रोग होता है ना, उनको कहते हैं आई डॉक्टर, और वो रोग कहते हैं मायोपिया। हम लोग भी आई डॉक्टर हैं और हम भी मायोपिया पर ही काम करते हैं। वो भी मायोपिया से परेशान है और हम लोग भी मायोपिया से परेशान है। मायोपिया ने माया को पी लिया और फिर मैं और मोर वहीं से शुरू हो गया सब तमाशा। तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, चश्मा दे करके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की शक्ति प्रदान करते हैं। सत्संग क्या करता है, आपको ठीक विचार करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। विचार ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। अविचारक कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। गलत विचारों के कारण सब समस्या का निर्माण होता है। अपने विचारों को ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि तत् असंकल्प मात्रेण क्षीयते नात्र संशयः। तो यह जो गलत विचारों के कारण हम अपने को परेशान करते हैं, तो विचारों को ठीक करो। और विचारों को क्या ठीक करना है, असंकल्प मात्रेण। ज्यादा चिंता ना करे, हो रहा है बस ठीक हो रहा है। आप ही जगत में किसी को भी मदद नहीं कर सकते। लेकिन हमको लगता है हम दुनिया का उद्धार करेंगे। अपना तो सत्यानाश कर लिया, अब दुनिया का उद्धार करने के लिए निकले। देखो संतो, तो असंकल्प मात्र न क्षीयते नात्र संशया। इसलिए जितना समय आपको मिले उसमें इतनी ही साधना करनी है। 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, हम घंटों नहीं बताते आपको। दिन में 4-6 बार, हर बार 10-20 सेकंड के लिए अपने आप से मत बोलो। अब 10 सेकंड हो गया, फिर दूसरे बार 10 सेकंड, तीसरे बार 10 सेकंड, दिन में 4-6 बार करो तो 1 मिनट आप अपने आप से बिना बोले रहे। जैसे ये मेडिकल के लोग कहते हैं अनयूज एट्रोपी, किसी भी इंद्रिय का उपयोग ना करो तो उसकी क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा शुरू कर दें। घंटे भर कभी मत बैठना मेडिटेशन के लिए, आप में विकृतियां निर्माण होगी। मन को नियंत्रण करने का प्रयत्न कभी मत करना। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, किसी की नहीं होती निरोध चित्तवृत्ति, ये सब झूठ है। फिर क्या करें, ये हमारा टेक्निक ले लो, अपने आप से बोलो मत। बिना शब्द का प्रयोग किए विचार करके दिखा। थिंक विदाउट usage of any word, you cannot think. जैसे घर से बाहर निकलते समय हम कपड़े पहन के निकलते हैं, बिना कपड़े के नहीं, इसी प्रकार से मन से वृत्तियों का बाहर निकलना शब्द के कपड़ों के साथ होता है। उतारो उनके कपड़े। कितनी सरल साधना है। यही स्टैमिना बढ़ाना है। असंकल्प मात्रेण, ये धीरे धीरे करते 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 आप देखेंगे, आप बोलते रहोगे दुनिया से फिर भी आपका मौन टूटेगा नहीं। आप सोते रहोगे फिर भी आपका ध्यान खत्म नहीं होगा।
आप चलते रहोगे फिर भी आपकी बैठक पक्की होगी। देखो यह बात कहते हैं वास्तविक अर्चना, वास्तविक पूजा। तो स्वसंकल्पनम कालुष्य निवार्य चात्मनात्मनः परम प्रसादम आसाद्य परमानंदवान भव। तो कहते हैं कि स्वसंकल्प संकल्पन कालुष्य निवार्य, ये जो संकल्प करने की जो कालुष्य गंदगी हमारे मन में है उसका निवारण करो। और संकल्प कैसे होते हैं भगवद गीता बताती है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुपजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधान भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् सत्यानाशः। शुरू कहाँ से हुआ? संकल्प से। ध्यायतो विषयान पुंसः, इसको लेकर के भगवान शंकराचार्य जी ने एक सुंदर कहानी लिखी अपने किसी भाष्य में। एक ब्रह्मचारी था गंगा जी के किनारे आश्रम, और दोपहर के समय गर्मी तो बहुत होती है नॉर्थ इंडिया में, तो खाना वाना खा लिया पढ़ाई करने के लिए। अब कहाँ बैठना है, गर्मी तो बहुत है, एसी वीसी तो नहीं है, तो जाकर के एक पेड़ के डाली पर बैठ गया। नीचे गंगा जी बह रही है, ठंडक है, छाया है, और हाथ में पुस्तक लेकर के डुक्रुम करने शुरू कर दिया। संस्कृत का अध्ययन चल रहा है, घोटा लगाना है। और वहां बैठे बैठे देखा उधर से गंगा जी के किनारे एक माँ और उसकी जवान लड़की आई। फिर उन्होंने कपड़े धोना है और स्नान करना है, सब कुछ कर रही थी। और ये अपना ब्रह्मचारी वहां से देख रहा था। देखते देखते अब खाना भी खाया है और सामने दृश्य भी है, ठंडक भी है, बिल्कुल बढ़िया है। फिर मनी राम के विचार शुरू हो गए। इन दो में से वो बड़ी तो मेरी माँ के जैसी है, छोटी थी कि शादी के लिए, इसके साथ मैं शादी करूँगा तो फिर हमको बच्चा हो जाएगा, एक क्षण में बच्चा हो जाएगा, फिर हम जब लोग सोएंगे तो उसको कहाँ सोएंगे, ऐसा करेंगे उसको बच्चे को बीच में सुलाएंगे, तो इधर से मैं उधर से वो बीच में बच्चा। लेकिन फिर वो मुझे कहेंगे तुम तो बच्चे को दबा के मार डालोगे, हटो यहाँ से, वो मुझे ढकेल देगी और मैं गिर जाऊंगा सीधा गंगा जी की गर्भ में। देखा यह तो विषय अनुपमसा। देखो महाराज, पूरा दुनिया का झमेला शुरू होता है इसी कल्पना से। और ये कल्पना करने का रोग है, ये स्वस्थ स्थिति नहीं है। जैसे जैसे हमको ये बात समझ में आती है तो कहते स्व संकल्पनम कालुष्य निवर्त्य, इससे अपने आप को बचाओ। फिर च आत्मानम आत्मना परम प्रसादम आसाद्य, ऐसा जब हम करेंगे परम प्रसादम, प्रसादे किसको कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यावतिष्ठते। प्रसाद माने क्या, ध्यान से सुनना। जब हम मंदिर में जाते हैं, एक बार हम द्वारका जी गए थे, तो सुबह ही हम तैयार हो गए 3:30-4 बजे नहा धो करके, फिर चाय बना के पी रहे, तो उतने में एक दो हमारे साथ जो कमंडल थे वो भी आ गए, हम भी चाय पियेंगे। हमने तुम इतने जल्दी उठ गए, तबियत ठीक है कि नहीं? बोले स्वामी पता नहीं, हमारे भी नींद खुल गई। हमने फिर चलो जाते हैं द्वारका बैठ। बोले नहीं स्वामी जी, समय कुछ नहीं होगा, वहाँ जाने में 1 घंटा लगेगा, तब तक के वो निकल जाएंगे, हम 10 बजे के इसमें जाएंगे। हमने कहा तुम जा रहो, मैं अकेला जा रहा हूँ, सबके सब आ गए, हम भी आएंगे, चलो। हम वहाँ गए और प्रभु की इच्छा से हमको बोट मिल गई। हमने वो समुद्र क्रॉस करके वहाँ गए। जैसे गए तो वहाँ के जो होते हैं लोग, उन्होंने कहा कि देखो अभी 5-10 मिनट में दरवाजा बंद होने वाला है, आप बैठो रिक्शा में, हम दौड़ भाग करके पहुँचे। जैसे पहुँचे वहाँ का वॉचमैन कहता है सब यही छोड़ो, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा, आप दर्शन करो, बंद हो जाएगा 10 बजे तक, फिर 3 घंटे रुकना पड़ेगा। हम अंदर दौड़ भाग के गए
और आरती देखी, उन्होंने प्रसाद दिया, आहा कितना अच्छा लगा। प्रसाद किसको कहते हैं? जो हमको मिला है उसको मिलने के बाद हमारी बुद्धि की क्या स्थिति है। पहली बार हमको जब प्रसाद मिलता है तब हम अपने आप को धन्य स्वीकार करते हैं, हाउ लकी आई एम, आई गॉट इट। दूसरी बार उस प्रसाद का तिरस्कार नहीं करते। तीसरी बार उस प्रसाद का दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करते, उसको ज्यादा दिया। चौथी बार उस प्रसाद को इम्प्रूव नहीं करते। आपको बढ़िया प्रसाद खाना है ना, तो हमारे बंगला साहिब गुरुद्वारा में जाओ। प्रसाद खाना हो तो गुरुद्वारा में जाना चाहिए। वहाँ इतनी सी चम्मच से प्रसाद नहीं देते। वो चम्मच भी कितना होता है? कान साफ करने का चम्मच। दरिद्री हमारे सरदार के वहां चले जाओ, ऐसा पूरा हाथ से भर करके कस के देते हैं। हम जब गए थे एक बीडर में, जीरा सांप गुरुद्वारा है, बहुत पवित्र स्थान है, तो वहाँ के सभी रागी ज्ञानी हमारे अच्छे मित्र हैं। तो जब वो इतना दे देते हैं प्रसाद, तो क्या हम ये कहेंगे साहजी इतने नाल थोड़ा अचार पा दो ना? देखो हम जब प्रसाद लेते हैं उसको इम्प्रूव नहीं करते। प्रसादे सर्व दुखाना, जो है उसको वैसे के वैसे ही स्वीकार करना, इसको कहते प्रसाद बुद्धि। हमको हर जगह में इम्प्रूवमेंट चाहिए। इम्प्रूवमेंट क्या? अपने कहने के अनुसार दुनिया होनी चाहिए। ये असंभव है, जो होना है वही होना है। यू कैन चेंज नथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो कहते हैं कि परम प्रसाद मासाद्य, और फिर प्रसाद किसको कहते हैं? प्रसन्न चेतसो याशु, प्रसाद बुद्धि माने आप हमेशा प्रसन्न है। अच्छा, प्रसन्न का तात्पर्य ये नहीं खामो खाम पागल के जैसे हंसे जा रहे हैं क्या प्रसन्न है? नहीं, प्रसन्न माने लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल, नो कंप्लेंट्स। हम लोगों की प्रार्थना भगवान क्यों नहीं सुनते? गर्मी आया कंप्लेन, भगवान बड़ी गर्मी है यार, बड़ी गर्मी है। मगर ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मैं बारिश ले आता हूँ। बारिश आ गई, भगवान कितनी बारिश है, हम परेशान हो गए। मगर कोई बात नहीं बेटा, मैं विंटर ले आता हूँ। विंटर कितना ठंडा है। भगवान कहते इसको कुछ भी दो, ये कंप्लेन ही करता है, वो छोड़ो इसको। यदि आप अपनी बुद्धि को बदल लो तो आपको गर्मी इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि गर्म है, बारिश इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि वर्षा है, और जाड़ा इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ठंडक है। आपको दुखी होने का चांस ही नहीं। इसको कहते प्रसाद बुद्धि, इसको कहते प्रसन्नता। ये प्रसन्नता ही परमात्मा की उपलब्धि है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। देखो महाराज, इसको कहते हैं वास्तविक पूजा। ये दो पूजा करो, दो तीन घंटे कमरे में बंद करके, और जैसे बाहर आ गए फिर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शुरू हो गया। देखो आप ये अर्चना पूजा उपासना करने वाले बड़ा गुस्सा होता है, उनमें शांति नहीं होती क्योंकि भूखे रहेंगे। अरे खाना खा लो ना। ये जो उपवास करने का चक्कर हो, हम जो करना है करो, हम अपना सिद्धांत बता दें। हम जब जाते हैं तो लोग पूछते स्वामी जी आपको कल उनके यहाँ जाना है, वो पूछ रहे थे कि कल के एकादशी है तो आप एकादशी करते हैं क्या? हम पूछते हैं वो कौन है, मारवाड़ी गुजराती होंगे तो हम एकादशी करते हैं। बोला ऐसा क्यों? मारवाड़ी गुजराती एकादशी के दिन विशेष खाना खाते हैं। वैसे वैसे हम नहीं करते। क्यों? जिसने पंचदशी करी है उसको एकादशी क्या करनी? देखो महाराज, सीधा गणित है, पेट को भर के रखो, दिमाग को खाली रखो। हम उल्टा करते हैं, दिमाग को भर के रखते हैं, पेट को खाली, फिर यही सोचते हैं अच्छा एकादशी के दिन क्या खाएंगे, उसके पकोड़े बनाएंगे क्या उसके। लेकिन वो नहीं चलता है एकादशी को, अच्छा फिर क्या चलता है? तो
तो परम प्रसाद आसाद्य परमानंदवान भव, परमानंदवान भव माने बी हैप्पी। देखो इससे बढ़कर के और कोई साधना नहीं है जीवन में। दुखी मत होना, इसी का अर्थ भगवान कृष्ण कहते भगवद गीता में। योग का तात्पर्य पतंजलि ने जो कहा है, चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, हमारे कन्हैया का प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। जीवन में दुख आने के बाद दुखी होने से इनकार करने की जो क्षमता है उसको योग कहते हैं, रिफ्यूज टू बी मिजरेबल। फिर आपने योग में सिद्धि प्राप्त कर ली। देखो यदि आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, समझदार है, यह उदाहरण है बहुत अच्छी है, समझदार है, और इसीलिए आप खुश हो, तो आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? यदि आपकी पत्नी असली पत्नी है, परेशान करती है, दुखी करती है, मिसअंडरस्टैंडिंग करती है, कंप्लेन करती है, फिर भी आप प्रसन्न हो, हाँ, देन यू आर ए जीनियस। देखो महाराज, इसीलिए साधना का तात्पर्य ये मत कर लेना हम लोगों की साधना 5 स्टार साधना है, एसी यूसी डीसी आईसीबीसी और बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई में स्ट्रॉन्ग अकाउंट हो गया, स्पिरिचुअलिटी किसको बेवकूफ बना रहे। तो कहते हैं सर्वशक्तिमयो यह आत्मा सर्व आसादत्यलम एव एष देव परश्चैव पूज्य एव सदा सताम। तो सभी संत महात्माओं ने, जो साधक हैं, उन्होंने इसी देव की, अपने मन की ही पूजा करनी चाहिए। मन की पूजा होती है चम दम ऊपर श्रद्धा की दीक्षा समाधान इन पुष्पों के द्वारा। और ये केवल समझदारी से हो सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसको दर्पण के सामने खड़े होने के बाद उसमें प्रतिबिंब होना, इसको कोई नहीं हटा सकता, ऐसा होगा ही। तो करना क्या है, उसको सत्य मानना छोड़ दे। आप अपने में झांको, आपको लगता है आप मुझे देख रहे हैं, मुझे लगता है मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन वास्तविकता क्या है? आपके सबका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर पड़ा है और उस प्रतिबिंब का हमको दर्शन हो रहा है। यदि प्रतिबिंब ना पड़ने दे, आंखों को बंद कर ले या अंधकार हो जाए, तो आप होते हुए भी आपका दर्शन नहीं होगा, क्योंकि प्रतिबिंब नहीं है। तो जितना भी अनुभव होता है वो केवल इमेजेस का होता है। यदि इमेज जहां हो रही है वो मन यदि शांत प्रसन्न है तो आपको प्रभु के दर्शन हो गए, और वही मन गुस्से वाला है, मटमैला है, विक्षिप्त है, तो भगवान में भी आप राक्षस देखोगे। और इसीलिए जितनी साधना है अपने मन को ठिकाने पर लाना, यही साधना है। कहते हैं इसीलिए पूजा का क्रम क्या है, पूजनम ध्यानमेवांत नान्य अस्तस्य पूजनम तस्मात् त्रिभुवनाधारम नित्यम ध्यानेन पूजये चिद्रूपम सूर्यलक्षाभम समस्ता भासवासनम इच्छा शक्तया तस्य चिंतनीया शरीरगः अंतस्थ सपराधारः सत्ता मात्रैक विग्रह विवर्तित जगज्जालः कालोस्य द्वारपालकः सर्वत्रे ईक्षणस्यात् द्राढ्यं सर्वतो ग्रहणशक्तिकं सर्वतः स्पर्श संयुक्तं सर्वतः सरसमान्वितं सर्वतः श्रवणाकीर्णं सर्वत्र मननान्वितं सर्वतो मननातीतं सर्वत्र परमं शिवं इति संचिन्त्य देवेश अर्चयेत् विधिवत्ततः। तो कहते हैं तो असली भगवान की पूजा क्या हो गई, पूजनम ध्यानमेवांतः न अन्यत्। असली पूजा है अब अपने ही हृदय में परमात्मा का ध्यान करना है। ध्यान से सुनना, आत्मचिंतन का अर्थ है अनात्म चिंतन का अभाव। देखो इतना ही मात्र है, अनात्म चिंतन वृत्तियों के माध्यम से होता है,
अनात्म चिंतन का अभाव हो गया तो आपका मन वृत्तियों से मुक्त हो गया। वृत्ति रहित मन को ही चैतन्य कहते हैं। जैसे आकार रहित बर्फ को ही पानी कहते हैं और आकार युक्त पानी को ही बर्फ कहते हैं, इसी प्रकार से कहते हैं ध्यान अंतः फिर तस्मात् त्रिभुवनाधारम नित्यम ध्यानेन पूजये। तो पहले अपने हृदय में परमात्मा का ध्यान करने के लिए मन में से काम क्रोध निकाल दिया, समाधि षड संपत्ति का ध्यान किया और फिर ऐसा जो एकाग्र और अविक्षिप्त मन है उसको अब चैतन्य के साथ लगा दो। क्या लगा दो? कहते हैं चिद्रूप सूर्य लक्षाभम। हजारों सूर्य यदि आकाश में पड़े हो तो कैसे प्रकाश होगा, वैसा हम अपने स्वरूप का स्वरूप की भावना करें। ध्यान से सुनना, ये यहाँ बड़ा एक अड़ंग आ जाता है। हम जो आपको बताते हैं ना धक्के खाने के बाद बता रहे हैं आपको, हम भी फंसे थे इससे। कई बार होता है लोगों का कि हम बैठे ध्यान के लिए तो एकदम प्रकाश आया, एकदम दिव्य प्रकाश आया और एक ही बार हुआ बाद में आया ही नहीं प्रकाश, पता नहीं क्या हो गया है, बल्ब बदलो, बल्ब फ्यूज हो गए। एक ही बार इतना जोर से प्रकाश आया था कि बल्ब फ्यूज हो गए। ये प्रकाश का अर्थ नहीं है, समझ आ रही थी? देखो अंधकार युक्त कमरे में एक छोटी सी मोमबत्ती बड़ी प्रकाश युक्त दिखती है। उसी मोमबत्ती को सूर्य प्रकाश में दिन के 12 बजे रखो बाहर, तो वो मोमबत्ती का प्रकाश जो है सूर्य प्रकाश से ढक जाता है। तो सूर्य प्रकाश मोमबत्ती प्रकाश से श्रेष्ठ है। और आगे चले जाओ, सूर्य के प्रकाश को प्रकाशित करने वाली कौन सी प्रकाश है? हमारी दृष्टि। यदि दृष्टि नहीं है तो सूर्य प्रकाश की सत्ता नहीं है। तो सूर्य प्रकाश को प्रकाशित करने वाली जो जो प्रकाश है वो दृष्टि का प्रकाश है। और ये दृष्टि को प्रकाश को प्रकाशित करने वाला कौन सा प्रकाश है? मन का प्रकाश है। और ये मन के प्रकाश को प्रकाशित करने वाला कौन सा प्रकाश है? यह चेतना का प्रकाश है। और ये चेतना के प्रकाश को प्रकाशित करने वाला कौन सा प्रकाश है? तो ये चिन्मय सत्ता का प्रकाश है। इसको कहते हैं प्रकाश। ये जो दिखता है ये प्रकाश नहीं है, इट इज अ डे लाइट। ये बिजली के प्रकाश से हम सब कुछ देख सकते हैं। बिजली के प्रकाश से कभी बिजली दिखी है कि किसी ने? जो दिखता है ना ये इट इज नॉट सनलाइट, इट इज अ डे लाइट। डे लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम सनलाइट। डे लाइट इज रिफ्लेक्टेड लाइट, इट इज नॉट ओरिजिनल लाइट। और ये सनलाइट यदि ऐसा होता तो सूर्य और पृथ्वी इसके बीच में अंधकार कहां से आता है? क्योंकि सनलाइट इज अ डार्क लाइट। जो दिखता है इट इज रिफ्लेक्टेड लाइट। इसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत जो है वो केवल रिफ्लेक्टेड लाइट है, इट इज नॉट द ओरिजिनल वन। ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन है चिन्मय सत्ता का, उसी को मन बुद्धि इंद्रिय इत्यादि कहते हैं। इन सब के परे जो है वो अपना स्वरूप है। इसको कहते हैं देवता का अर्चन, इसको कहते हैं भगवान की पूजा। वहां अपने आप को रखना है, ये अपने साथ हो गया। फिर जगत के साथ जब व्यवहार करना है तब क्या? सभी आंखों से वही परमात्मा देख रहा है, सभी कानों से वही परमात्मा सुन रहा है, सभी पेटों में वही परमात्मा भूख के रूप में बैठा है। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। वही परमात्मा जो मुझ में मय के रूप में प्रकट हो रहा है, वही परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि में ही प्रकट हो रहा है। इसको कहते हैं पूजा। इस पूजा में जो नित्य निरंतर व्यस्त है,
सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते, भगवान कहता है, कहते हैं कि ऐसे जो साधक है जगत में रहते हुए भी कहीं भी रहे वो मुझ में ही रहते हैं। तो स्वसंविदात्मा देवोयम नोपहारेण पूज्यते, तो यह जो इति संचित्य देवेश, इस प्रकार से आत्मरूप से परमात्मा को पहचानना है और जगत में परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहा है यह अभ्यास करना है। ये दो चीजों से जो अर्चना होती है वो वास्तविक अर्चना है। स्वसंविदात्मा देवोयम न उपहारेण पूज्यते, इसके लिए उपहार लाने की कोई जरूरत नहीं है कि पूजा करो, प्रसाद ले आओ मार्केट से बना करके और वही फिर सर्कुलेट होता है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, फिर वही भगवान की तरह। ये गली तो आया था, ये खोला नहीं है, देखो इसलिए एवं देवार्चनम नित्यम यहाँ करोति समाहिता यत्र अस्मादयो वृत्या तत्सयापी परम स्मृतम। इस प्रकार से जो इस प्रकार से देवता की अर्चना करता है वही व्यक्ति पूजनीय होता है। और वशिष्ठ जी कहते हैं हम भी उसकी पूजा करते हैं। इत्युक्त्वा नीलकंठोऽसौ अंतर्धानं क्षणं ददः, उसके बाद भगवान शिव जी चले गए और फिर मैं अनेन अर्चित विद्या विद्या ध्यानेन मेय मे राम वासराः अखिन्ने नातिवाहिन्ते व्यवहार परापि, हे राम इस प्रकार से मैंने शिवजी से ये अर्चना करने की विधि सीख ली और फिर वो क्षणात अंतर्धान हो गए और फिर मैं अपने जीवन को इसी प्रकार से टाइम पास कर रहा हूँ। देखो क्या कहते हैं, एमे राम वासराहा, वासरामा दिन, मैं अपने समय ऐसा ही दे रहा हूँ, हमेशा अपने स्वरूप में स्थित रहे, जगत के साथ प्रेम से रहे और जब तक चलना है चलते रहो, ना कहीं पहुंचना है ना कहीं से प्रारंभ करना है, आप चाहो भी तो भी आप मरोगे नहीं, तो मरने का ट्राई मत करना, चाहोगे तो जियोगे नहीं, जीने का ट्राई मत करना। फिर क्या करना है, जैसे बच्चों के साथ हम खेलते हैं ना, उस समय खेलते हैं लेकिन खिलाड़ी पैदा नहीं होता। हमको बच्चे खेलते, स्वामी जी क्रिकेट खेलो, तो हमारे अपने नियम है और बोले बोले हाँ, तो हमारा नियम यही है, हम आउट नहीं होंगे, केवल बैटिंग करेंगे, ऐसे नहीं कि दौड़ो स्वामी जी ले आओ, हम नहीं करेंगे, बोले ठीक है। और फिर हमको उन्होंने मोल्ड किया तो हमने कहा देखो तुम जो हमको LBW कहते हो ना वो गलत है, मेरे पैर तो दिखते ही नहीं तो कैसे LBW है। स्वामी जी आपके लिए दूसरा डेफिनेशन है, क्या, लुंगी बिफोर विकेट, हमारा बॉल आपकी लुंगी में अड़ गया है इसीलिए आप आउट हो। तो वहां ना तो हमको रन बनाने का अभिमान है ना तो आउट होने का दुख है, इसी को कहते हैं टाइम पास। जगत में कुछ प्राप्त नहीं करना है ना कुछ खोना है। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां निद्यामि युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भक्ति कहो, ज्ञान कहो, योग कहो, कर्म कहो, जो भी कहो, इन सब का तात्पर्य इतना ही है हम यहाँ टाइम पास करने के लिए आए हैं, जैसे आप लोग यहाँ टाइम पास करने के लिए आए, यही जीवन का सत्य है, बाकी सब ठीक है। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः, हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः।